हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिन किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। वहीं किन्नौर जिले के चांग क्षेत्र में बादल फटने से पुल और सेब के बगीचों को काफी क्षति पहुंची है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला प्रशासन को जल्द से जल्द राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम जो हैं वो काफी सराहनीय हैं और उन कदमों की खुद सीएम जयराम ठाकुर ने विस्तार से जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि बरसात के चलते नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास न आएं। देखिए, इस सिलसिले में बरसात शुरू होने से पहले ही हमने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली थी और उसके पश्चात हमारे डिप्टी कमिश्नर के साथ भी दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है। सबको अलर्ट पे रखा है और खासतौर से जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारा जल शक्ति मंत्रालय, सभी महकमों को ये आदेश दिए गए हैं जहाँ भी बारिश के कारण कोई क्षति होती है, सड़क टूटती है, तो उसको रिस्टोर करना जल्दी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सेब का सीजन भी हमारा शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ में जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है और कई जगह इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो उसमें जानमाल का भी नुकसान होता है। तो स्वाभाविक रूप से जो अलर्ट जारी किया गया है वो हमारे ध्यान में और लोगों के ध्यान में उसको लाने की हम कोशिश। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिनों किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ टीना ठाकुर हिमाचल की ब्यूरो चीफ इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश और बाढ़ ने किस तरीके से तबाही मचाई हुई है। जी देखिए, जो मानसून है यहाँ पे हिमाचल में जो है मानसून, जिस तरह हमने पहले भी बात की, काफी तबाही यहाँ पे बरपा चुका है। कई लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है और अभी जो है, अभी जो जुलाई में इस वक्त तक जो है मानसून अभी हालांकि सामान्य हो चुका है, लेकिन फिर भी भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। पिछले कल की अगर हम बात करें कि किन्नौर में पिछले शाम को जो है बादल फटा है और जो बादल फटने से वहां पे जो है आंशिक रूप से जो सेब के बगीचे थे और वो नुकसान पहुंचा, और साथ ही जो है वहां पे जो वाहन खड़े थे उनको नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में जो है वहाँ पे जो प्रशासन है उन्होंने ये जानकारी ली है कि किस तरह से जो ये यहाँ पे जो कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन अभी किया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि 368 करोड़ का अभी तक मानसून में अभी तक नुकसान हो चुका है और जो है 91 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में जो है मानसून हिमाचल में काफी कहर बरपा रहा है। जी, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे टीना जी कि इन बाढ़ प्रभावितों को किस तरीके से सरकार के द्वारा राहत प्रदान की जा रही है, यानी कि लोगों को कहाँ बसाया गया है और ऐसे कौन कौन से संवेदनशील इलाके हैं जो आने वाले समय में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। जी देखिए, अभी जो है जो 69 ऐसी जगहें थी हिमाचल में अलग अलग जगह जिनको काफी संवेदनशील प्रशासन ने माना है और वहाँ के जो जितने भी जिला प्रशासन के अधीन वो जगहें आती हैं उनको पहले ही सूचना दे दी गई है उन जगहों पर एहतियात बरतने के लिए। और जिस तरह से आपने पूछा कि राहत के तौर पर जो जिला प्रशासन है वो फौरी राहत के तौर पर लोगों को जो है जो पास के जो सरकारी आवास है वहां पर ठहरा रहे हैं और साथ ही उनकी जो खाने पीने की जो सुविधाएं हैं उनको वो प्रदान कर रहे हैं, साथ ही जो फौरी राहत उनको चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक जो मुआवजा जो मिलता है और जो एक जो राहत देने की बात है उसमें जो प्रशासन है वो आंकलन कर रहा है, पटवारी जो है वो बिल्कुल ये आंकलन में लगे हुए हैं कि कितना का नुकसान हुआ है और प्रति व्यक्ति को किस तरह से इस आंकलन के अनुसार जो है मुआवजा दिया जाए। तो अभी जो है प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है, एसडीआरएफ के जो टीमें हैं वो अलर्ट पर है और अभी भी सरकार का मानना है कि प्रशासन जो मानसून है ये इसको जो जो मानसून जो तबाही
यहाँ पे कर रहा है उसके लेके जो टीमें हैं उनको सतर्क रखा गया है, और जो जिस तरह पिछले कल किन्नौर में बादल फटा है, इस तरह की जो अन्य घटना है उसके लिए विभिन्न जो टीमों का गठन है वो किया कर लिया गया है, और जो मुख्यमंत्री है लगातार विभिन्न जिलों के जो एस पीज हैं और डी सीज हैं उनके साथ में लगातार वीसी करके लगातार संपर्क में है और लगातार जानकारी वो ले रहे हैं। चलिए शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।